अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मोहम्मद वहाब मिर्ज़ा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो में हम लैट एक्सपेक्टेड एंटोनिम एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपको बताया कि लैट के टेस्ट में आपको 20 एमसीक्यू इंग्लिश में से आते हैं और इनमें से अप्रोक्सीमेटली 5 एमसीक्यू एंटोनिम बेस्ड होते हैं। इन्हीं 5 नंबर्स को इंश्योर करने के लिए हमने लैट एक्सपेक्टेड एंटोनिम एमसीक्यू को कंपाइल किया है। इसमें हमने 150 लैट टेस्ट के लैट पास पेपर के मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड जो एंटोनिम्स हैं उनको कंपाइल किया है और इनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम फर्स्ट 30 जो एंटोनिम्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं। एंटोनिम नंबर 1, एंटोनिम ऑफ इनॉर्मस। इनॉर्मस का मतलब होता है बहुत ज्यादा। इसके लिए जो एंटोनिम आपने याद रखने हैं वो है टाइनी, लिटल एंड ऑर्डिनरी, और यहां पर करेक्ट ऑप्शन बनेगा चार्ली, टाइनी। एंटोनिम ऑफ फ्रिवलस। फ्रिवलस का मतलब होता है बेतुकी या फजूल बात करना। इसके एंटोनिम बनेंगे वाइज, सीरियस, प्रैक्टिकल एंड मेच्योर, और यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन बनेगा अल्फा, वाइज। एंटोनिम ऑफ एक्सपेंड। एक्सपेंड का मतलब होता है फैलाना और इसके एंटोनिम बनेंगे कंडेंस, श्रिंक एंड कॉन्ट्रैक्ट, और यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपने मार्क करना है डेल्टा, कंडेंस। एंटोनिम ऑफ डिवियंट। डिवियंट का मतलब होता है गुमराह, जो बंदा इरेगुलर हो उसे कहते हैं डिवियंट। इसके एंटोनिम बनेंगे रेगुलर, नॉर्मल एंड ऑर्थोडॉक्स, और यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपने मार्क करना है चार्ली, रेगुलर। एंटोनिम ऑफ करटेल। करटेल का मतलब होता है कम करना, और इसके जो कॉमन एंटोनिम बनेंगे वो हैं प्रोलोंग, इंक्रीज एंड लेंथन, और यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपने मार्क करना है बीटा, प्रोलोंग। एंटोनिम ऑफ फॉरमोस्ट। फॉरमोस्ट का मतलब होता है ज़रूरी। इसके लिए जो कॉमन एंटोनिम बनेंगे वो हैं अनइम्पॉर्टेंट, लीस्ट एंड सेकेंडरी, और यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपने मार्क करना है अल्फा, अनइम्पॉर्टेंट। एंटोनिम ऑफ वेन। वेन के लिए जो एंटोनिम आपने याद रखने हैं वो हैं अटैक्ट, अकस्टम्ड, हैबिचुएटेड, और यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपने मार्क करना है अल्फा, अटैक। एंटोनिम ऑफ इलेटेड। इलेटेड का मतलब होता है पुरजोश। इसके लिए जो एंटोनिम बनेंगे वो है सैड, डिप्रेस्ड एंड अनहैप्पी, और यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपने मार्क करना है बीटा, सैड। एंटोनिम ऑफ गैबल्ड। गैबल्ड का मतलब होता है गंदा या अलहदा, अलहदा पड़ा हुआ कोई अलहदा चीज़ हो या कोई गंदी चीज़ हो उसको हम कहते हैं गैबल्ड। इसके लिए जो कॉमन एंटोनिम बनेंगे वो हैं अनस्क्रैम्बल्ड, यूनाइटेड एंड अटैच्ड, और यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपने मार्क करना है अल्फा, अनस्क्रैम्बल्ड। एंटोनिम ऑफ सिंगुलर। सिंगुलर का मतलब होता है वाहद। इसके लिए जो एंटोनिम आपने याद रखने हैं वो है कॉमन, ऑर्डिनरी एंड कस्टमरी, और इसके लिए करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बनेगा बीटा, कॉमन। आगे देखते हैं एंटोनिम ऑफ फेसिशियस। फेसिशियस का मतलब होता है चेहरे वाला। इसके लिए जो कॉमन एंटोनिम बनेंगे वो हैं फॉर्मल, ग्रेव, सीरियस एंड अनफनी, और इसके लिए करेक्ट ऑप्शन आपने मार्क करना है बीटा, सीरियस। एंटोनिम ऑफ इलास्टिक। इलास्टिक का मतलब होता है लचकदार। इसके लिए जो कॉमन एंटोनिम बनेंगे वो हैं रिजिड, स्टेबल एंड इरिवर्सिबल, और यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन बनेगा अल्फा, रिजिड। एंटोनिम ऑफ मेमथ। मेमथ का मतलब होता है ज़्यादा ज़्यादा बड़ी चीज़ हो उसको हम कहते हैं मेमथ, और इसके लिए एंटोनिम जो आपने याद रखने हैं वो है स्मॉल, इनसिग्निफिकेंट एंड लिटल, और यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन बनेगा बीटा, स्मॉल। एंटोनिम ऑफ स्पोरियस। स्पोरियस का मतलब होता है मसनूई, कोई आर्टिफिशियल चीज़ हो उसको हम कहते हैं ये, और इसके जो एंटोनिम आपने याद रखने हैं वो हैं जेन्यन, ऑथेंटिक एंड रियल, और यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपने मार्क करना है चार्ली, जेन्यन। एंटोनिम ऑफ रिवेंज। रिवेंज, रिवेंज का मतलब होता है बदला लेना। इसके लिए जो एंटोनिम बनेंगे वो हैं फॉरगिवनेस, पार्डन एंड सिंपथी, और यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपने मार्क करना है बीटा, पार्डन। एंटोनिम ऑफ फेमस। फेमस का मतलब होता है मशहूर या मारूफ। इसके लिए जो एंटोनिम आपने याद रखने हैं वो है ऑब्सक्योर, अननोन एंड एनोनिमस, और यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपने मार्क करना है बीटा, ऑब्सक्योर। आगे देख लेते हैं एमसीक्यू नंबर 17। एंटोनिम ऑफ पैसिफिक। यहाँ आपने स्पेलिंग करेक्ट कर लेने हैं, पैसिफिक लिखा हुआ है। इसके लिए जो आपने याद रखने हैं एंटोनिम वो है अग्रेसिव, होस्टाइल एंड वार मॉन्गरिंग, और यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपने मार्क करना है अल्फा, अग्रेसिव, विच इज एंटोनिम ऑफ पैसिफिक। एंटोनिम ऑफ हारमोनियस। हारमोनियस का मतलब होता है हम आंगी, और इसके लिए जो एंटोनिम याद रखने हैं वो है होस्टाइल, डिस्कॉर्डेंट एंड इनकॉन्ग्रस, और यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपने मार्क करना है बीटा, होस्टाइल। एंटोनिम ऑफ इलास्टिक। इलास्टिक का मतलब ऑलरेडी बता चुका हूँ, लचकदार। इसके लिए एंटोनिम जो आपने याद रखने थे वो थे रिजिड, इनफ्लेक्सिबल, स्टिफ, और यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपने मार्क करना है चार्ली, रिजिड।
एंटोनिम ऑफ स्टेल, स्टेल का मतलब होता है ए बासी या कोई ख़राब चीज़ हो उसको हम कहते हैं स्टेल। इसके लिए जो एंटोनिम बनेंगे वो हैं फ्रेश, ओरिजिनल, मोइस्ट एंड वेट। और यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपने मार्क करना है डेल्टा, नन ऑफ अबव। यहाँ पे कोई भी करेक्ट ऑप्शन नहीं है, लेकिन आपने जो एंटोनिम याद रखने हैं वो हैं फ्रेश, ओरिजिनल, मोइस्ट एंड वेट। और यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है डेल्टा, नन ऑफ दीज। एमसीक्यू नंबर 21 देखते हैं। एंटोनिम ऑफ दर्थ, दर्थ का मतलब होता है कमी होना किसी चीज़ की। इसके लिए जो एंटोनिम बनेंगे वो है अबंडेंस, प्लेनिटी, प्लेंटी एंड लग्जरी। आपने यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन मार्क करना है चार्ली, अबंडेंस। एंटोनिम ऑफ एव, एव का मतलब होता है खौफ या डर। इसके लिए एंटोनिम बनेंगे कंटेम्प्ट, इनडिफरेंस एंड डिसरिगार्ड। और यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपने मार्क करना है डेल्टा, कंटेम्प्ट। एंटोनिम ऑफ स्लोपी, स्लोपी का मतलब होता है मेला कुचैला। इसके लिए जो एंटोनिम याद रखने हैं वो है केयरफुल, टाइट, ड्राई एंड सॉलिड। और यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपने मार्क करना है अल्फा, केयरफुल, विच इज़ एंटोनिम ऑफ स्लोपी। एंटोनिम ऑफ एयरनेस्ट, एयरनेस्ट का मतलब होता है संजीदा बंदा। इसके लिए जो एंटोनिम आपने याद रखने हैं वो है फ्रिवलस, अपथेटिक एंड हाफ हार्टेड। और यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपने मार्क करना है बीटा, फ्रिवलस। एंटोनिम ऑफ एक्सेलरेट, एक्सेलरेट का मतलब होता है तेज करना किसी चीज़ को। इसके लिए जो कॉमन एंटोनिम याद रखने हैं वो हैं डिले, डिक्ली, डिक्रीज, लेसन एंड कॉन्ट्रैक्ट। और यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन मार्क करना है अल्फा, डिले। एंटोनिम ऑफ चेस्ट, चेस्ट का मतलब होता है पकीज़ा चीज़, कोई पाक साफ हो उसके लिए ये वर्ड यूज़ होता है। इसके जो एंटोनिम याद रखने हैं वो हैं वल्गर, इनडिसेंट एंड इम्प्योर। और यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपने मार्क करना है नन ऑफ अबव, डेल्टा है। और लेकिन आपको एंटोनिम पता होने चाहिए वल्गर, इनडिसेंट एंड इम्प्योर। एंटोनिम ऑफ सेलिब्रेट, सेलिब्रेट का मतलब होता है इसका मतलब होता है बरहम जिंदगी, कोई मतलब इस तरह के लिए वर्ड के लिए हम यूज़ करते हैं बरहमी वाली जिसमें कोई इंजॉयमेंट ना हो। तो इसके लिए जो एंटोनिम बनेंगे वो हैं मैरिड, एक्टिव एंड प्रोमिस्कस। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपने मार्क करना है डेल्टा, मैरिड। एंटोनिम ऑफ अब्रिज, अब्रिज का मतलब होता है महफूज करना, इस तरह का मतलब रास्ता कम करना, समॉल जिस तरह कहते हैं हम उसको हम कहते हैं अब्रिज। जो इसके लिए कॉमन एंटोनिम बनेंगे वो हैं ऑगमेंट, एक्सटेंड एंड प्रोलोंग। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपने मार्क करना है बीटा, ऑगमेंट। एंटोनिम ऑफ पैथोलॉजिकल, पैथोलॉजिकल का मतलब होता है बीमारी या कोई बीमार इंसान हो उसके लिए ये वर्ड यूज़ होता है। इसके लिए जो एंटोनिम याद रखने हैं वो हैं हेल्दी, फिट, वेल एंड होलसम। और यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन मार्क करना है अल्फा, हेल्दी। एंटोनिम ऑफ एब्जोल्व, एब्जोल्व का मतलब होता है माफ़ करना किसी को। इसके लिए जो एंटोनिम याद रखने हैं वो है एग्जीक्यूट, पनिश एंड ब्लेम। और यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपने मार्क करना है अल्फा, एग्जीक्यूट। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम 30 एमसीक्यू का डिस्कस कर गए। अगले जो एमसीक्यू हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा अगर आप एमसीक्यू की और प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप हमारी गूगल वेबसाइट meetdemy.com पे जाके एमसीक्यू अटेम्प्ट भी कर सकते हैं और उनकी आंसर की भी ले सकते हैं। अगली वीडियो तक अपने इस होस्ट को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।